स्वागत है। मैं हूँ आरती शर्मा और जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद है शिमला व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं इंद्रजीत सिंह जी। और जैसे कि अभी हम बात करें तो पिछले कई दिनों से व्यापार मंडल को लेकर जो है काफी सारी भ्रांतियां अफवाहें जो है वो लगातार सुर्खियां बनी हुई है शिमला में, और व्यापारी वर्ग है वो बेहद चिंतित है ऐसे में कि क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा। और अगर हम आज की ही बात करें तो आज एक नई कार्यकारिणी भी बन गई है शिमला में, और उन्होंने कहा है कि हम जो है वो शिमला व्यापार मंडल जो कि पुरानी कार्यकारिणी थी इस पर जो है वो हम नहीं मानते, इसलिए हमने नई कार्यकारिणी बना दी। और ऐसे में कई सवाल हैं और जो व्यापारी वर्ग हैं उनके भी कई सवाल हैं, और उन्हीं सवालों के जवाब को जानने के लिए आज हम लोग जो है वो इंद्रजीत सिंह जी से बात कर रहे हैं। और सबसे पहले तो हम स्वागत करना चाहेंगे कि आपने हमें समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत सिंह जी, सबसे पहले तो एक सवाल, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ, खुश। और अभी जिस तरीके से चल रहा है ऐसे में क्या मनोस्थिति बनी हुई है? देखिए, मनोस्थिति की बात जहाँ तक है कि थोड़ा दुखी हूँ। दुखी इस करके हूँ कि व्यापारियों को गुमराह किया जा रहा है, शिमला व्यापार के व्यापारियों को बांटने की कोशिश की जा रही है जिसका कोई औचित्य नहीं। शिमला की जो हमारी जो टीम है ये पंजीकृत टीम है, और इसको लोगों को गुमराह किया जा रहा है। एक और एडॉक कमेटी बना दी गई है जिसका कोई मान्यता ही नहीं है, तो ऐसे में व्यापारी गुमराह किया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये व्यापारियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर जब हम यूनाइटेड नहीं होंगे तो हम अपना व्यापार अच्छे से नहीं चला पाएंगे। आप व्यापार मंडल शिमला के, देखिए शिमला राजधानी शिमला जी, लक्कड़ बाजार, माल रोड, सभी व्यापारियों जिसे कह सकते हैं एक अहम हिस्सा है ये हिमाचल प्रदेश में, और ऐसे में व्यापारियों के दो गुट बनना जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल दुखद है, लेकिन गुट की बात नहीं है। कुछ लोग अपना राजनीतिक मकसद सामने रखते हुए व्यापारियों को बांटना चाहते हैं जिनका कोई औचित्य ही नहीं है। एक ऐसी कमेटी जो कि जिन्होंने पिछली बार चुनाव कराए थे, कमेटी का चुनाव कराने के बाद कमेटी खुद भंग हो जाती है, लेकिन उन्होंने अपने आप को कंटिन्यू रखा। पहली बात तो वो है कि उनका कोई हक ही नहीं है, फिर वो ना ही अब जो नई चुनाव कमेटी बननी है वो जनरल हाउस में बननी है, और जो वर्तमान हमारा जो कार्यकारिणी है उसने उसको बनाना है। तो ऐसे में चलते कुछ लोग अपने राजनीतिक मकसद को सामने रखते हैं व्यापारियों को गुमराह कर रहे हैं। आपको कुछ दुख की बात है, लेकिन पब्लिक जो है वो सब समझदार है। हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से हमने ये सारी बात उन तक पता है कि ऐसा कुछ नहीं है। जो भी है व्यापारी वर्ग आज भी हमारे साथ है, यहाँ तक कि आपने अभी हमने जो बैठक बुलाई है इसमें अगर आपने कहा शिमला माल रोड लक्कड़ बाजार, ऐसा नहीं है। शिमला का जो व्यापार मंडल है बहुत बड़ा व्यापार मंडल है, इसमें जो हमारे उपनगर हैं टूटू घनाटी और संजौली ढली, ये सब लोग हमारे साथ हैं। लगभग 3,000 व्यापारी ऐसे हैं जो उपनगरों में हैं और वो सब शिमला के साथ हैं। अभी आपने कहा कि उपनगर हैं सच में, और हम भी मानते हैं कि उपनगर है, आपका कच्ची घाटी है, क्लीनी है, या और भी काफ़ी सारे उपनगर, और वहाँ पर जो है वो लगभग अगर हम बात करें तो 3,000 से ज़्यादा जो है वहाँ पर व्यापारी हैं। बावजूद इसके जो अभी नई कार्यकारिणी बनी है वो कह रहे हैं कि सभी व्यापारी हमारे साथ हैं, क्या पक्ष देना चाहेंगे? देखिए मैम, जिनको ऐसा लगता है, चुनाव प्रक्रिया चल रही है, मैं तो चाहता था कि वो चुनाव लड़ें, लेकिन उनको पता है कि वो चुनाव लड़के हमारे सामने नहीं आ सकते, इसलिए उन्होंने बैकडोर एंट्री अपनाई। अगर जो वो है ठीक है, चुनाव हम तो कराना चाह रहे, प्रक्रिया चल रही थी, बट ये कोविड के चलते ये मुमकिन नहीं हो पाया, जनरल हाउस की परमिशन नहीं मिल रही पाई। हम तो SDM के साथ पास भी गए, उपायुक्त महोदय के पास भी हमने परमिशन मांगी है। अगर कोई अपने आप को आज मैं बोलता हूँ कि मुझे शिमला शहर की मेयर पसंद नहीं है और कल मैं बोलूँ कि मैं मेयर हूँ क्योंकि मैं बाहर चल हूँ, तो ऐसा नहीं होता। ये एक हर एक का कॉन्स्टिट्यूशन है, एक संविधान है, किसी के अपने आप से कहने से ऐसा नहीं। अभी हम बात कर रहे थे कि आपकी जो ये व्यापार मंडल है ये संवैधानिक तौर पर एक तरह से पंजीकृत है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो पंजीकृत व्यापार मंडल है इसमें क्या नई कार्यकारिणी को बनाने का और पुरानी कार्यकारिणी को भंग करने का कोई प्रावधान है? जी बिल्कुल, हमारे अपने बायलॉज हैं और उसमें ये स्पष्ट है कि जो हम नई कार्यकारिणी जो बननी है वो जो हम सिटिंग लोग हैं उसी को बनाएंगे। लेकिन इसके बावजूद जो आपने बताया कि कुछ लोगों ने स्वेच्छा से ऐसा किया जो कि बिल्कुल असंवैधानिक है, हम उनका विरोध करते हैं जी। व्यापारियों का कहना है जो कि अभी नई व्यापार मंडल बनाए उनका कहना है कि इंद्रजीत जी जो दो पदों पर कार्य कर रहे हैं, एक तो वो काउंसलर भी हैं और दूसरे वो प्रधान भी हैं, ऐसे में वो व्यापारियों की समस्या सुने कि आम जनता की समस्या सुने? देखिए मैम, ऐसा है कि दो पदों में आसीन ऐसा नहीं हो सकता। जो मेरा
कर्म क्षेत्र है जो मुझे मेरा कार्य क्षेत्र में है, पार्षद भी हूँ जो वो लोरजार का हूँ जी। तो मेरा जो व्यापारी जो है वो भी, मेरा व्यापार भी लोरजार में है। और लोरजार के हमारे जो अगर जो मुख्य कार्यालय जो व्यापारियों को अधिकतर काम पड़ता है, सचिवालय से पड़ता है, नगर निगम से पड़ता है, दोनों ऑफिस पास पास में है। और मैं अब इतना ब्लेस्ड हूँ कि मेरे जो बुजुर्ग हैं, मेरे पिताजी और मेरे भाई साहब मेरा पूरा बिजनेस देख रहे हैं, और मेरे पास इतना समय है कि मैं अपनी पब्लिक लाइफ के लिए, अपने वार्ड के रेजिडेंट्स के लिए और शिमला के व्यापारियों के लिए रात दिन उनकी सेवा में तत्पर हूँ, और ये मुझे शौक भी है। सीधा सा सवाल एक और आता है कि क्यों चुनाव जो है, चुनाव को लेकर क्यों राजनीति की जा रही है, क्यों अभी तक चुनाव नहीं हुए, क्या कारण है? देखिए मैम, जो हमारा समय है वो मार्च 2021 तक पेंडिंग है, लेकिन हम जो थे, हमारे जो भी ये पंजीकृत हुआ 2017 में थे, लेकिन हम उससे पहले जीते, हम खुद चाहते थे स्वेच्छा से कि व्यापार मंडल के चुनाव हो। हमने 29 मार्च 2020 को जनरल हाउस बुलाया था व्यापार मंडल के चुनाव डिक्लेयर करने को, बट कोविड के चलते वो उस टाइम सब बंद हो गया और वो जनरल हाउस नहीं हो पाया। उसी के बाद हमने ये अभी मेंबरशिप की प्रक्रिया चलाई हुई थी, और बीच में कुछ लोगों ने मतलब कि आके कह दो कि व्यापारियों को दो फाड़ करने के लिए और अपनी कुछ राजनीतिक अपने इरादों को वो करने के लिए ये सब कुछ गड़बड़ किया है, अदरवाइज प्रक्रिया है। और अभी भी डेफिनेटली मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, शीघ्र ही जनरल हाउस बुलाया गया जब भी हमें परमिशन मिलेगी, और हमें उसमें कार्यकारिणी की घोषित करे जो हमारा जो चुनाव कराएगा कराया जाएगा, और शीघ्र बहुत जल्दी जैसे ही हमें परमिशन मिलती है तो शिमला व्यापार मंडल के चुनाव। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप एक कांग्रेस के प्रत्याशी भी हैं और कांग्रेस के आप एक कह सकते हैं कार्यकर्ता भी हैं, और अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सरकार भाजपा की है, और केंद्र में भी बात करें तो सरकार वहां पे भी भाजपा की है, तो कभी आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ये सब कुछ जो हो रहा है इसके पीछे राजनीति एक जो है वो बहुत बड़ी जो है वो रंग दिखा रही है? देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात ये क्लियर करना चाहता हूँ कि जो शिमला व्यापार मंडल है ये एक नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एक एग्जाम्पल ये है कि मैं खुद कांग्रेस से हूँ और जो मेरे महासचिव हैं बीजेपी के हैं, और हम पिछले काफ़ी वर्षों से इकट्ठे काम कर रहे हैं। रही बात है ना कांग्रेस ना बीजेपी, मेरा जो परिवार चल रहा है वो मेरे व्यापार से चल रहा है, सबसे पहले हमारा व्यापार है, हमारे सब कुछ है, उसके बाद जो राजनीतिक जो पार्टी है वो बात। बिल्कुल, आपने महासचिव की बात करी, आपने अपने उपनगरों के प्रधान की बात करी, हम उनसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक और बात जरूर करना चाहूँगी आपसे कि अगर हम शिमला व्यापार मंडल की बात करें तो कितने समय का इनका कार्यकाल रहता है, और चुनाव जो है वो कितने साल में जो है वो होते हैं? शिमला व्यापार मंडल का जो कार्यकाल है 4 वर्ष का है। 4 वर्ष का है, और पिछले जो अगर हम बात करें तो 2017 में अगर नहीं ऐसा हुआ था 13 में चुनाव हुए, 2017 में ये पंजीकृत हुआ और उसमें हमने जनरल हाउस में इस बॉडी को प्रूव करा के इसको कंटिन्यू किया था, लेकिन फिर भी हमें लग रहा था कि समय हम पास ज़्यादा हो गया क्योंकि पंजीकृत जो है ये लेट हुआ, तो हम पिछले एक वर्ष से चुनाव कराने की उसमें थे, लेकिन कोविड के चलते जिस तरह मैंने आपको बताया कि चुनाव हो नहीं पाए, अब अभी भी हम जितनी जल्दी हुआ इसका चुनाव करवाएं। अब जिस तरीके से नई कार्यकारिणी बनी है, आपकी ओर से क्या अब जो है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी, क्या कोई पुलिस केस या फिर कोई हाई कोर्ट या फिर कोई डीसी या मतलब किसी तक ये ज्ञापन या कोई आपकी शिकायत पहुंचेगी? सबसे पहले तो मैं अपने व्यापारियों से आग्रह करूंगा कि कृपया गुमराह ना हो, लेकिन डेफिनेटली हम कानूनी लीगल एडवाइस में लेंगे, और जो भी होगा, जो भी व्यापार मंडल की गरिमा को जो लोग ठेस पहुँचा रहे हैं उनके खिलाफ डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत सिंह जी कि आपने जो है अपने विचार हमारे साथ साझा किए। इसके अलावा कुछ जो है आप व्यापारियों को बताना चाहते हो, अपना पक्ष आप कुछ रखना चाहते हो? नहीं अभी भी बिल्कुल, मैं तो ये कह रहा हूँ शिमला के व्यापारी गुमराह ना हो, जिस समय भी 24/7 हम मैं और मेरी पूरी टीम उनके लिए अवेलेबल है, जब भी आप आए हम आपके लिए वैसे खड़े। धन्यवाद इंद्रजीत सिंह। तो अभी हमारे साथ उपनगर घनाटी के जो है वो प्रधान जुड़े हैं, मैं सबसे पहले तो आपका परिचय जानना चाहूँगी। मेरा नाम मैडम सुरेश गुप्ता है, व्यापार मंडल घनाटी का, और जो हमारा यहाँ ये उपनगरों का एक संगठन बना है, इन लोगों ने मेरे को उसमें अध्यक्ष मनोनीत किया है। सुरेश जी, कितने समय से अगर हम बात करें तो कितने समय से आप व्यापार मंडल के अध्यक्ष या फिर व्यापार मंडल से जुड़े हुए? मैं मतलब अपने लोकल व्यापार मंडल में तो 42 ईयर से हूँ जी, और वहाँ का व्यापार मंडल मैंने संगठित किया था जी, और वहाँ का प्रधान वहाँ से, बाकी जो हमारे जितने व्यापार मंडल हैं, चाहे स्टेट का है, चाहे डिस्ट्रिक्ट शिमला का है, चाहे मंडी का है, सारे एक्टिव रहता हूँ, और शिमला व्यापार मंडल में शुरू से ही जी। अभी अगर हम बात करें, आपने कहा कि लगभग मान लेते हैं, चलिए लगभग मान लेते हैं कि आप 20 सालों से व्यापार मंडल में हैं, लगभग मान लेते हैं ऐसे, तो 20 सालों से क्या कभी आपको ऐसा कुछ, एक मिनट मैं करती हूँ थोड़ा,
सुरेश जी। सुरेश जी मानना मैंने, चलिए ऐसे मान लेते हैं कि आप 20 सालों से व्यापार जो मंडल है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में कभी आपने 20 सालों से और आज तक कभी ऐसी राजनीति देखी आपने अपने जीवन काल में? अगर हम अभी बात करें, मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि मैं 40 सालों से इन संस्थाओं से जुड़ा हूँ। आज तक किसी भी गवर्नमेंट ने हमारे जो व्यापार मंडल है, चाहे स्टेट का है, चाहे शिमला का है, चाहे किसी भी गवर्नमेंट ने इसमें इंटरव्यू नहीं किया। जिसे वेरी फर्स्ट टाइम की कोई गवर्नमेंट इसमें इंटरव्यू कर रही है, तो लगता है भी गवर्नमेंट को लगता है हम व्यापारी इकट्ठे हो जाएंगे तो इनको दिक्कत होगी। और मैं ये गवर्नमेंट को यही बताना चाहूँगा कि हमारी गवर्नमेंट काम करती है। इस गवर्नमेंट ने हमारा व्यापारी में काम किया जो पिछले 25 सालों से नहीं हो पाया, वो भी इस गवर्नमेंट ने किया है। तो जो भी गवर्नमेंट काम हमारे लिए करेगी, हम भी उनके लिए करेंगे। पर ये हमारी जो एकता है उसको तोड़ने की, उसको बंद करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमारी समस्या को देखें और ये कोशिश करें कि व्यापारियों को गवर्नमेंट के साथ जोड़ा जा सके। जो भी नई व्यापार मंडल, अगर हम कह सकें कि तो नई कार्यकारिणी बनी है, क्या कहना चाहेंगे इसको? मैडम, वो जो कार्यकारिणी में इन्होंने सदस्य लिए हैं, हमने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। कौन है वो? हम 40 साल से दुकानदारी कर रहे हैं, शिमला देख रहे हैं, हमने तो कभी शक्ल नहीं देखी। कमल जी जो पहले प्रधान रहे हैं, तो वो मेरे ख्याल जब इलेक्शन आता है तभी वो आते हैं सामने, अदरवाइज तो पता नहीं कहाँ होते हैं। और मेरे ख्याल उनका कोई व्यापार भी नहीं है। मेरे जो मतलब मेरे को लगता है, अब वो GST की रिटर्न से पता चलेगा वो व्यापारी है या नहीं है। घनाटी के व्यापारियों से क्या कहना चाहेंगे? घनाटी के व्यापारी बिल्कुल एकता ही हमारी, हम जो बोलते हैं वो सब कुछ होता है। हमारे जितने व्यापारी हैं वहाँ तकरीबन वो यंग हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझते हैं और इस राजनीति को भी समझेंगे। और आने वाले समय में जो शिमला व्यापार मंडल है, हम उसको संचित करने की पूरी कोशिश करेंगे और उनके साथ मिलकर ही काम करेंगे। तब भी हमारा गुजारा है, और हम मिलकर काम नहीं करेंगे इंडिपेंडेंट तो कोई काम हो नहीं सकता। मिलकर ही काम होगा तो हमारा व्यापार मंडल बिल्कुल जो नए इलेक्शन होंगे उनके साथ हम काम करेंगे। बाकी इलेक्शन लड़ने का हक हर एक को है, आए आजमाए वो, जिसको लोग वोट देंगे, चुन के भेजेंगे, उसका समर्थन है, उसका मान करेंगे, उसका जीतेगा। पर ये पीठ के पीछे होना चाहिए, ये बैक डोर एंट्री है वो गलत है। आप सामने आओ यार, इंडिपेंडेंट आओ, सामने आओ, फाइट करो। तो अभी हमारे साथ टूटू के जो है वो प्रधान जुड़े हैं और उनका नाम है राजीव जी। तो राजीव जी क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे आप, जिस तरीके से व्यापार मंडल में जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं गुटों में बंट रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मैडम, मैं बहुत हैरान हूँ, ऐसी भी क्या आफत आ गई थी कि इनको रातों रात जो है कमेटी, हेडो कमेटी इनको गठित करनी पड़ी। व्यापार मंडल अच्छा काम कर रहा था और इसकी संडे को मीटिंग हुई थी, उसमें डिसाइड हुआ था कि कोविड के कारण इलेक्शन थोड़े से पोस्टपोन हो सकते हैं। हमारे साथ कच्ची घाटी के जो है वो महासचिव भी बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूंगी आपका। मेरा नाम परमिंदर सिंह है जी, और मैं लगभग पिछले 30-40 सालों से व्यापार मंडल में अलग अलग पोस्टों पे मैंने काम किया है। 10-12 साल मैं राम बाजार शिमला व्यापार मंडल का प्रेसिडेंट रहा हूँ और शिमला व्यापार मंडल का सेक्रेटरी रहा हूँ। अलग अलग अहदों पे अलग अलग समय पे मैंने बहुत काम किया है। मैं प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी गुरु नानक सेवा सोसाइटी शिमला भी रहा हूँ। डेड बॉडी वैन की जो सेवा है वो मैंने शिमला की पब्लिक के लिए शुरू की थी, और अब कुछ मेरे शारीरिक जो मुझे बीमारी की वजह से मैं अब काम नहीं कर पा रहा, लेकिन ये है कि आज मुझे मेरे भाई लोगों ने बुलाया कि ये व्यापार मंडल में ऐसी दिक्कत आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ना BJP ना कांग्रेस, सबसे पहले जो दुकानदार है वो व्यापारी है और उसका व्यापार के साथ जो है संबंध पहले होता है, क्योंकि जब रोटी रोजी होगी, व्यापार होगा, तभी हमारे बच्चे पलेंगे, हमारा परिवार चलेगा। ये जो पार्टीबाजी है या BJP है चाहे कांग्रेस है, ये सब बात की बातें हैं। तो मैं तो सबसे शिमला के व्यापारियों से अनुरोध करूँगा कि इसमें पार्टीबाजी में ना जाके, ये मैं मानता हूँ कि ये जो इलेक्शन है थोड़ा समय से लेट हो गया है। 2009 में मैंने गांज मंदिर शिमला में जो ये मैनेजिंग कमेटी बनती है, एडहॉक कमेटी बनती है इलेक्शन करवाने के लिए, वो उसका भी मैं मेंबर रहा हूँ, और 2009 में मैंने इलेक्शन जो है वो कंडक्ट मैंने ही किया है। तो इसमें ये होता है कि जो पुरानी कमेटी होती है, जब वो इलेक्शन हो जाता है फ्री एंड फेयर, तो उस कमेटी का उसके बाद कोई औचित्य नहीं रहता, और हर बार जनरल हाउस में नए लोगों को चुन के जो एडहॉक कमेटी बनती है जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाती है। तो जो ये अभी अपने आप को बोल रहे हैं कि जी हम
एडॉप कमेटी है, वो कमेटी कोई नहीं है, क्योंकि वो कमेटी जब पिछले साल 2013 में इलेक्शन हुआ था तो वो कमेटी ऑटोमेटिकली उसके साथ खत्म हो जाती है। आपके लिए मेरा एक सीधा सा सवाल यही है कि क्या आप शिमला, आप और आपके कारोबारी और आपके व्यापारी वर्ग जो कि कच्ची घाटी के हैं, क्या वो शिमला व्यापार मंडल जो कि पुराने वाला है उसके समर्थन में है या फिर उसके खिलाफ है? जी, ऐसा होता है कि किसी भी संस्था में कोई सारे लोग एक तरफ नहीं होते। ऐसा कभी नहीं होता कि एक, अगर आप मेरे कच्ची घाटी 145 मेंबर हैं तो वो मेरे कहने पे ही या मेरे कहने पे ही वोट डालेंगे या वो सारे एक तरफ होंगे, ये नहीं होता कभी भी। लेकिन ये होता है कि जिसका जहां मन लगता है, जिसको लगता है कि ये प्रधान अच्छा है, ये आने वाले समय में मेरे लिए काम करेगा, तो लोग उसको वहाँ वोट डालते हैं। प्रधान के कहने पर इतना नहीं होता कि प्रधान, ठीक है प्रधान की वैल्यू होती है, संस्था की वैल्यू होती है, लेकिन इतना भी नहीं होता कि 100% जो तो आपको क्या लगता है कि वहाँ के जो व्यापारी वर्ग है वो क्या शिमला व्यापार मंडल पुराने वाला जो है उसको उसके समर्थन में है? नहीं, समर्थन में नहीं है। अब कल हमारे वहाँ के जो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो जो इन्होंने जो कल कमेटी बनाई है उसमें उनको वाइस प्रेसिडेंट लिया गया, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि कुछ लोग कहीं होते हैं, कुछ लोग कहीं होते हैं, ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन हम तो ये, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में मैं तो इंद्रजीत सिंह जो प्रधान है उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दिवाली के बाद इमीडिएट, अभी जिस तरह इन्होंने बताया कि अभी त्यौहार आ रहे हैं कारोबारियों का, वैसे ही कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कारोबार नहीं है, तो आने वाले समय में जो दिवाली का जो पर्व है उसमें लोगों को सारे साल का काम मिलता है, तो वो पर्व निकाल के इमीडिएट जनरल हाउस करके जो है रॉक कमेटी बना के इलेक्शन करवाया जाए, चाहे इंद्रजीत सिंह खड़े हों, चाहे शहर से कोई और भी, कोई भी आदमी खड़ा हो सकता है, और जिसको लोग अच्छा समझें, मेरा हर शिमला के व्यापारी का, चाहे वो उपनगर का हो चाहे शहर का हो, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अच्छे लोग को वोट डालें ताकि शिमला के व्यापारियों के लिए काम हो सके। बिल्कुल, मैं आपकी बात से यहाँ पर सहमत हूँ कि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जब चुनाव होगा तो कौन सी कार्यकारिणी और कौन सा जो अध्यक्ष है वो हमें देखने को मिलेगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ व्यापारी लोग भी जुड़े हैं और बिल्कुल यहाँ पर उनसे भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आज व्यापारियों के ये जो दो गुट बन गए हैं उस पर व्यापारियों की क्या एक प्रतिक्रिया रहेगी, व्यापारी अब क्या सोचकर किस अध्यक्ष को या फिर किस जिस तरीके से कार्यकारिणी किस कार्यकारिणी को चुनेगा। आज तो व्यापारी बिल्कुल कन्फ्यूज हो चुका है कि क्या करे, और ऐसे में आप एक व्यापारी हैं, क्या आपकी प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, जो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन्होंने की है जो अडेप कमेटी बनाई है, इससे ये हो गया कि इन्होंने व्यापारी को बांटना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात है, इंद्रजीत जो भी प्रधान हैं हमारे इस पर, उन्होंने कभी भी किसी व्यापारी के लिए ना नहीं की, जहाँ भी गए उनके साथ गए। तो अभी मुझे ये नहीं समझ आ रही कि इन्होंने अडेप कमेटी बनाने के लिए हमको बिगाड़ने की क्या जरूरत पड़ी हुई है, क्यों बांट रहे हैं हमारे को। किस तरीके से देखते हैं आप, क्या अपने कार्यकाल में अगर हम बात करें तो क्या कभी ऐसा कुछ आपने रंग देखा था, इस तरीके का माहौल देखा था कभी? नहीं, हमने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। नहीं देखा। जो भी प्रधान होता था हमारे व्यापार मंडल का, बड़े अच्छे काम करता था, कभी इसमें पॉलिटिक्स नहीं आई, कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये कांग्रेसी है, ये जनसंघी है, ये सोशलिस्ट है या कम्युनिस्ट है, कभी बात नहीं आई। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इन लोगों ने की है, जो भी हैं किसी भी पार्टी के भी हैं, जो इन्होंने हमको बांटने की कोशिश की है। नहीं तो व्यापार खत्म हो जाएगा, व्यापारी रहेगा ही नहीं, किसके पास जाएगा व्यापारी शिकायत देकर। बिल्कुल बिल्कुल, आप एक व्यापारी हैं तो ऐसे में बिल्कुल एक सवाल आ जाता है कि जिस तरीके से ये रंग चला हुआ है, जिस तरीके का ये माहौल चला हुआ है, क्या ऐसे में व्यापारी आने वाले समय में क्या चुनाव से बहिष्कार कर देगा या चुनाव में वोट देगा? ऐसी कोई बात नहीं, चुनाव होंगे, चुनाव का सब वोट डालेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो अच्छा प्रधान हमारा है, मेरे हिसाब से अभी तक तो इंद्रजीत बड़ा अच्छा चल रहा था, और इसी को मेरा ख्याल है अगली दफा भी हम इसी को लाने की कोशिश करेंगे। अब हमारे साथ जो है वो शिमला व्यापार मंडल के महासचिव हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे हम आपका। मैं संजीव ठाकुर, शिमला व्यापार मंडल, मैं महामंत्री की बात कर रहा हूं। अच्छा, महामंत्री जो है वो हमारे साथ जुड़े, क्या कहना चाहेंगे आप? पहले तो मुझे ये बताइए, जिस तरीके की ये, क्या किस नजर से आप ये देखते हैं कि आज जो ये सब हुआ है, नई कार्यकारिणी बनी है, किस नजर से देखते हैं, क्या ये राजनीति का कोई रंग इस पर दिखाई दे रहा है? देखिए, कुछ स्वार्थी लोगों ने ये काम करने की कोशिश की है, और जो व्यापारी वर्ग को बांटने की कोशिश कर रहे हैं
उनको ऐसा लगता है कि वो सामने से जो है वो उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उन्होंने जो है एडहॉक कमेटी बनाई है जो कि सरासर गलत है और असंवैधानिक है। जी क्या लगता है आपको, जो ये व्यापारी जितने हमारे वर्ग है या जितने भी व्यापारी हैं, क्या ये इस जो नई हम कह सकते हैं एक कार्यकारिणी बनी है, क्या वो लोग जो है इस कार्यकारिणी को मानेंगे या पुरानी ही कार्यकारिणी को मानेंगे? मैं आपका सिर्फ पक्ष जानना चाहती हूँ। देखिए जो शिमला व्यापार मंडल है एक पंजीकृत संस्था है और लोगों ने वोट दे करके चुने हुए सदस्य है, कोई भी बंद कमरे के अंदर बैठ करके जो है नहीं आया है, सब लोग सभी व्यापारियों ने व्यापारियों के द्वारा चुने हुए सदस्य हैं, तो हर व्यापारी वर्ग जो है उन्हीं को मानेगा जिनको उन्होंने चुना है, कोई एक कमरे से उठ करके आएगा उसको कोई भी व्यापारी जो है नहीं मानेगा। जी आपका एक अहम पद है, एक अहम रोल है इसमें, तो ऐसे में आगे की अगर हम बात करें तो आगे किस तरीके की कार्रवाई रहेगी और आने वाले समय में क्या जब चुनाव होंगे तो क्या आप भी क्षेत्र में उतर कर जो है वो इंद्रजीत जी के लिए, या फिर अब होता ही है क्योंकि हमारा जो अगर आपकी बात करें तो जो व्यापार मंडल है उसमें अभी इंद्रजीत जी जो है वो प्रधान है, तो आने वाले समय में क्या आप उनके लिए रण में जो है वो उतरेंगे और क्या एक तरह से कह सकते हैं ना जौहर दिखाएंगे, तो क्या दिखाएंगे आप? देखिए रही चुनावों की जो बात होगी वो जब चुनाव आते हैं और चुनाव के समय में ही वो स्थितियां बनती क्या है कि किस तरीके से कार्य करना है। जी रही बात वर्तमान की, तो वर्तमान में हम वो हमारे प्रधान है और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ, और एज पर जनरल सेक्रेटरी जो है वो एक हिस्सा है व्यापार मंडल का, और जो नुकसान व्यापार मंडल को हो रहा है उसकी भरपाई करनी या नहीं करनी और उसको नुकसान पहुँचाना जो है हमारा कर्तव्य नहीं है। जी। जिन लोगों ने ये काम किया है उनके ऊपर जो है हम सख्त से सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई और जो भी हो सकती है वो सारी चीज़ें करेंगे ताकि ये दोबारा से जो है व्यापार मंडल के अंदर जो है कभी ऐसा ना हो। व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, व्यापारियों की कुछ समस्याएं हैं, और अगर हम पहले वाले अभी जो नई व्यापारी जो हम कह सकते हैं मंडल बना है वो कह रहा है कि आपने समस्याओं को नहीं उठाया था इसलिए हमने नया व्यापार मंडल बना दिया, तो क्या आने वाले समय में ऐसा तो नहीं है कि व्यापारी जो है वो फिर से यही बोलने लग जाएगा कि नहीं आपने समस्याएं नहीं सुनी? तो ऐसी कौन सी प्रमुखता की प्रमुख जो समस्याएं हैं शिमला की, उन समस्याओं को सामने लेकर जो है वो व्यापार मंडल, पुराने वाला की बात कर रहे हैं हम, वो अब आगे आएगा और व्यापारियों की समस्याओं का जो है वो समाधान करेगा? देखिए कोई भी समस्या जो होती है वो 100% नहीं हो पाती है, उसमें कई कारण होते हैं, सरकार के साथ समन्वय बनाने की बात है, नगर निगम के साथ समन्वय बनाने की बात है, वो कई चीज़ों को देखना पड़ता है तब जाकर के कई काम होते हैं। जी। सारे व्यापारियों का काम जो है व्यापार मंडल नहीं कर सकता है। जी। क्योंकि व्यापार मंडल के अंदर वही समस्या उठेगी जो सबके लिए बराबर होगी, और मेरे को लगता है कि वर्तमान व्यापार मंडल ने अपनी पूरी कोशिश की है, पूरी टीम ने पूरी कोशिश की है कि व्यापार मंडल को और व्यापारियों की जितनी समस्याएं हैं उनको जो है प्रशासन तक पहुँचाया, सरकार तक पहुँचाया है। और रही बात मार्जिन ऑफ प्रॉफिट का, अगर आप देखें जो समस्या व्यापारियों को मार्जिन ऑफ प्रॉफिट की PFA में रहती थी, जो किराने के दुकानदार थे उनको एक रिजिस्ट्रेशन लगानी पड़ती थी और एक मार्जिन फिक्स करके रखना पड़ता था, जबकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी प्रक्रिया कहीं पर नहीं थी। वर्तमान व्यापार मंडल ने वो पूरी समस्या जो है सरकार के साथ रखी और सरकार ने उस चीज़ को माना, और आज व्यापारी को हो जाए वो रिस्क लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि कंपटीशन के जमाने में तब भी लोग काम कर रहे हैं, और आज उसको डंडा नहीं है कि इंस्पेक्टर आएगा और देखेगा कितना मार्जिन लिया कितना मार्जिन नहीं लिया। तो ये कई समस्याएं हैं, ऐसी बहुत समस्याएं हैं। अब व्यापार मंडल अगर बोला तो किराए की बात की जाए कॉरपोरेशन से अंदर तो हम उसका विरोध कर रहे हैं, और व्यापार मंडल जो है वो खुद कोर्ट गया है, कोर्ट में पार्टी कॉरपोरेशन को बनाया है कि भाई आप इतना किराया नहीं बढ़ा सकते हैं जो कि अनैतिक है, उसके लिए हम समस्या लड़ रहे हैं। कोई व्यापारी आकर के ये बोल रहे कि पिछले व्यापार मंडल ने काम नहीं किया है तो वो गलत है, वो हाँ उनको लगता है कि ऐसा है तो आने वाले टाइम में आए और चुनावों में आए और दिखाए जनता उनको दिखा दे कि किसने काम किया किसने नहीं किया। बिल्कुल, आज हमने तमाम जितने भी हमारे प्रधान यहाँ के शिमला व्यापार मंडल के जो प्रधान थे हमने उनसे बात करी, हमने व्यापारी वर्ग से बात करी, हमने जो उपनगर हैं उनके प्रधान या सचिव कुछ लोगों से बात करी और जानकारी ली कि किस तरीके से लोग जो हैं वो नया जो ये व्यापार मंडल अभी गठित हुआ है इसको देखते हैं, और अब तो बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में ये जो राजनीति है, ये जो व्यापार मंडल को लेकर राजनीति हो रही है, ये क्या रंग दिखाएगी। बहरहाल आज के लिए मुझे यानी कि आरती शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।